ट्रेड लेने में डर क्यों लगता है? आप एक बात नोटिस करना, जब भी आप ट्रेड लेने का प्लान करते हो, आपका सेटअप आ गया, आपको लग रहा है कि यहाँ पर मुझे एंट्री लेना है, यहाँ मेरे स्टॉप लॉस हो, यहाँ मेरा टारगेट है, जैसे ही आपने एंट्री ली वहाँ सिर्फ 2 से 5-10 पॉइंट ऊपर गया, वैसे ही आपको डर लगने लग जाता है कि यह मार्केट के नीचे ना हो जाए, और उसके कारण आप उस टाइम पर ही अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाते हो, जिससे कि आपको सिर्फ 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस मतलब कि टारगेट मिलता है। और अब जब स्टॉप लॉस की बात आती है तो आप 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हो, और कभी कभी तो लोग स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं, वो सोचते हैं कि मार्केट एक बार नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, या फिर बराबर में आ जाएगा तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन जैसे अगर आपने 100 पे बाई किया, मार्केट 80 तक चला गया, फिर आप क्या सोचोगे, यार 500 का लॉस हो रहा है, एक काम करता हूँ, एक लॉट में 500 का लॉस हो रहा है, तो मैं यहाँ पर एक क्वांटिटी और ऐड कर देता हूँ जिससे कि यहाँ एवरेज हो जाएगा। जैसे ही मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा तो मुझे मेरे वो फर्स्ट वाली जो ट्रेड थी वही प्रॉफिट में जाएगी, और जो सेकंड ट्रेड में ले रहा हूँ अभी एवरेज कर रहा हूँ उससे मेरा प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन यह सोच गलत है, क्योंकि आप देखना ऐसा मार्केट में कभी नहीं होता। अगर इस तरह से मार्केट में होता तो हर एक इंसान सभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं, अभी सभी पैसे कमा रहे होते हैं, ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता जो लॉस कर रहा होता है, क्योंकि लोगों के पास बहुत पैसा है, वो नीचे आएगा फिर ऐड कर देंगे, नीचे आएगा फिर ऐड कर देंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। सबसे अच्छा काम क्या रहता है, एक ट्रेड लिया, 100 पे अगर आपने एंट्री ली, 140 का आपका टारगेट है और 80 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है, तो ट्रेड लेने के बाद सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है, या तो टारगेट मिलेगा या फिर स्टॉप लॉस मिलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है, फालतू की सब न्यूज़ वगैरह कुछ भी नहीं देखना है। सिर्फ मार्केट में जब तुम चार्ट देख रहे हो, जो तुम्हारा सेटअप बन रहा है, वो सेटअप के साथ से तुमको डिसीजन लेना है। एक बार डिसीजन ले लिया, 100 पे एंट्री, 140 का टारगेट और 80 का स्टॉप लॉस, तो अगर मार्केट 80 पे आया तो स्टॉप लॉस पे हिट जाना है, और अगर 140 पे गए तो टारगेट हिट होने पर उस पे निकल जाना है। फिर ये नहीं सोचना हो कि 140 से और ऊपर जाएगा, मेरा प्रॉफिट और बढ़ेगा। अगर आप इस तरह से काम करोगे तो आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। पहली बात तो यह है कि ट्रेडिंग में सेटअप के हिसाब से एंट्री लो, स्टॉप लॉस आया तो स्टॉप लॉस पर निकलना है, टारगेट आया टारगेट पर निकलना है। दूसरी बात यह कि एवरेज नहीं करना है, लॉस में आ रहे हो एवरेज कभी नहीं करना है, स्टॉप लॉस लेकर निकल जाओ। तीसरी बात, दिन में अगर आपको पहली बार में ही प्रॉफिट हो गया तो उस दिन ट्रेड मत करो, और ट्रेड करना है तो अगर आपको 2000 का प्रॉफिट होगा फर्स्ट एंट्री में तो उस सिर्फ 500 रुपये का रिस्क लो और 1500 रुपये अपने घर पे लेके जाओ, इससे आपका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। दूसरी बात, अगर आप एक लॉट से ही ट्रेड कर रहे हो तो आप 1 से 2 महीने तक कम से कम सिर्फ एक ही लॉट पे ट्रेड करो, ऐसा नहीं कि आज एक ट्रेड पर ट्रेड किया प्रॉफिट हो गया, कल 2 लॉट पे, कल भी प्रॉफिट होगा, परसों फिर 4 लॉट पे, फिर 8 लॉट पे, इस तरह से आप ट्रेडिंग करोगे तो आप हमेशा लॉस में रहोगे, क्योंकि मार्केट में आप 2-4 बार तो गलत हो गए तो उसमें आपका जो जितना ही प्रॉफिट रहेगा सारा प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा, इसलिए आपको इस बात से बचना है। अगर अभी तक आप 10-20-100 लॉट से ट्रेड कर रहे हो और अगर आपको अभी भी ट्रेड लेने में डर लगता है, ये फिर ट्रेड लेने के बाद आप डर जाते हो, तो कुछ नहीं करना है, 1 या 2 लॉट पे आ जाओ और डरो मत, क्योंकि जब जब तुम डरोगे ना मार्केट में, जब जब तुम्हें लॉस होगा। तुम एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे सेटअप के साथ तुम एंट्री में लिए, ट्रेड लो एंट्री पे, एग्जिट पे, सब अपने हिसाब से करना है, जो आपने सेटअप प्लान किया उस हिसाब से आपको एंट्री और एग्जिट करना है, टारगेट बुक करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कर लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।